या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा। आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना हमारे। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, एक पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो दो स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकु के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में गुरुजी ने बताया, अगर किसी का मंगल विवाह नहीं हो रहा है तो वो ये उपाय अवश्य करे, इससे उसका मंगल विवाह पूर्ण हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।